श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। मैंने पहले भी बताया था और फिर से आपको बता रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि अघोरी बहुत गरीब होते हैं। अघोरी वो होते हैं जो मसान में रहते हैं, जो भीख मांग के खाते हैं। एक हद तक सही है, क्योंकि कुछ अघोरियों को ये कायदे के हिसाब से बोला जाता है कि वो भिक्षाटन करके खाएं। लेकिन क्या ऐसा है कि अघोर साधना अगर हम करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं रहता? तो जवाब है नहीं। इसी के जवाब में मैंने इस श्रृंखला के पहला वीडियो दिया था, जिसमें ओम नमः शिवाय का बीज मंत्र मैंने दिया था। आज मैं बताऊंगा कि उस बीज मंत्र में और कौन सा बीज मंत्र लगे, ताकि वही मंत्र आपको धन उपार्जन का एक माध्यम दे। जनरली होता क्या है कि जो तांत्रिक होते हैं, जो ज़्यादा अध्यात्म में रहते हैं, उनके पास पैसे की काफ़ी कमी रहती है, ठीक है। और वो कितना भी तंत्र विद्या पे अपना दिमाग लगाएं, लेकिन वो पैसे पे ध्यान नहीं लगा पाते। तो अगर आप तांत्रिक विद्या करते हैं और आपको चाहिए कि आपके पास पैसा भी हो, तो ये ओम नमः शिवाय मंत्र ही है जो कि आपको धन और यश देगा। लेकिन इस मंत्र में एक बीज जो पहले मिसिंग था वो मैंने बताया। दूसरा है कि ओम नमः शिवाय में एक बहुत ही जो मार्किक चीज़ जो कि नहीं है, वो है मातृशक्ति। देखो, आप अगर माया की के लिए साधना कर रहे हो तो माया की साधना तो करनी पड़ेगी। अब आप अगर महाकाल की साधना कर रहे हो तो सिर्फ महाकाल की साधना करने से थोड़ी चलेगा। महाकाल की साधना करोगे तो भाई ठीक है, आपको साधनाएँ मिलेंगी, आप अघोरी बन सकते हो, आप महाघोरी बन सकते हो, आप महातांत्रिक बन सकते हो। लेकिन अगर बात माया की होती है तो फिर माँ भगवती ही एक उपाय है, ठीक है। अब आप लक्ष्मी की साधना बोलो, कमला की साधना बोलो, जो भी है वो उत्पत्ति तो उसी महाकाल और महाकाली के संयोग से हुआ है। जब महाकाली महाकाल के साथ हुई तभी तो ये पूरे ब्रह्मांड का रचना हुआ, और जब इस ब्रह्मांड का रचना हुआ उसके बाद माया ने अपना माया पसारा। और जो हम आज के डेट में देख रहे हैं, जो भी अर्थ है, काम है, मोक्ष है, जितनी धर्म है, ये सारी चीज़ें जो है वो माया की फैलाई हुई हैं, ठीक है। तो विषय है कि हमें माया के अलावा, मतलब महादेव के अलावा माया की भी साधना करनी होगी। तो ये साधना कैसे करते हैं? देखो, स्टेजेस होता है। जैसे कि आप बचपन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे होगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा मंत्र आया ओम होंग नमः शिवाय, जिसकी साधना मैंने आपको बताई, ठीक है। अब आपने जब ओम होंग नमः शिवाय मंत्र साध लिया है, तभी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र का मेन उपयोग ये है कि आप अर्थ कमा सकें, ठीक है। तो अर्थ कमाने के लिए इसी ओम नमः शिवाय मंत्र में पहले एक बीज ऐड हुआ, ओम होंग नमः शिवाय, होंग बीज ऐड हुआ। फिर अब ऐड होगा इसमें महामाया का बीज रिम। तो जो ओम नमः शिवाय मंत्र है वो पूर्ण रूप से जो मंत्र है वो है ओम रिम होंग नमः शिवाय। तो आपने शुरू किया था एक त्रय अक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय, उसमें बीज हुआ और वो हो गया ओम होंग नमः शिवाय। अब उसको पूरा करते हैं तो ये एक पंचाक्षरी मंत्र हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ओम रिम होंग नमः शिवाय। इस मंत्र का सिर्फ जाप मात्र से, मतलब अगर 108 माला 108 जाप आप हर रोज करेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी धन का, ठीक है, प्रतिष्ठा का, या जो भी चीज़ों कि आप मन में कामना करते हैं महामाया से, उसकी कभी कमी नहीं होगी। बाकी अध्यात्म देखने के लिए तो महादेव बैठे हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो मंत्र है ओम ह्रीम होंग नमः शिवाय, ओम ह्रीम होंग नमः शिवाय, ओम ह्रीम होंग नमः शिवाय। इस मंत्र का रोज निरंतर 108 जाप करें। देखो, कोई भी मंत्र को जब 125 आप जप लेते हो ना, तो उसका पावर आने लगता है, लेकिन ये मंत्र काफ़ी एग्रेसिव है और मोस्ट प्रॉब्ली 45 दिन के अंदर आपको असर दिखाने लगेगा। इसके अलावा एक और मंत्र मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मी का, जो कि आपको बहुत ही काम आएगा और आपका जो प्रोफेशन है उसको स्टेबल करेगा। आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको भूत प्रेतों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरा लिखा हुआ एक किताब है, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, उसको आप खरीदो, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप अगर मुझसे बात करके किसी समस्या का समाधान चाहते हो,
तो कॉल मी फॉर ऐप है, आपके प्ले स्टोर पे है, एप्पल स्टोर पे है। इसको डाउनलोड करके रुद्रनाथ सर्च करो, मैं आपको मिल जाऊंगा उस पे। आप डायरेक्ट कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर 9431188585 है। इस पे सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल करोगे तो ब्लॉक कर दूंगा। अभी के लिए आप सभी को अलग आदेश, अलग आदेश।